नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारतीय राजनीति में सत्ताधारी कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण के जिस इतिहास की प्रस्तावना लिखते हुए विस्तार किया था, वो अब हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है। दरअसल राजनीति की इस विधा पर अब केवल कांग्रेस का एक अधिकार नहीं रहा। अब तुष्टिकरण की होड़ का नतीजा ये है कि इस टेम्पलेट को और राजनीतिक दलों ने अपना लिया है। इसी का नतीजा है कि तुष्टिकरण हर राज्य में दिखाई दे रहा है, फिर चाहे कश्मीर हो या फिर पश्चिम बंगाल। तुष्टिकरण हर मौके पर दिखाई देता है, फिर चाहे चुनाव की बात हो, हिंदू त्योहारों की बात हो या फिर कला और फिल्मों की। अब हाल का उदाहरण देख लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी पर लगाया बैन हटा दिया, तो ममता बनर्जी सरकार की ओर से कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी अलग है, इसलिए कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। आप ही बताइए, क्या यह सीधे सीधे भारतीय संविधान की आत्मा के विरुद्ध नहीं है? सिंघवी का यह तर्क ममता बनर्जी के उस तर्क से जरा भी अलग नहीं है, जिसका इस्तेमाल पिछली रामनवमी पर करते हुए ममता बनर्जी ने हिंदुओं से मुस्लिम इलाकों में न जाने की सलाह दी थी। तब यह सवाल उठा था कि क्या देश में अब हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाके जैसी बात राज्य की मुख्यमंत्री भी करेंगी, और यह क्या ऐसा तर्क है जिसे अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल करें? ऐसा करके क्या ममता बनर्जी सरकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संविधान के जानकार अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल के सामने सन 1947 की स्थिति नहीं दोहरा रहे? ऐसे ही तर्क दिए जाते रहे तो उस संविधान की आत्मा का क्या होगा जिसे बचाने के लिए ये बेचारे रोज लड़ने की शपथ लेते रहते हैं? अब सवाल ये है कि यदि डेमोग्राफी पर देखते हुए ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी फिल्म कहाँ दिखाई जाएगी या फिर नहीं दिखाई जाएगी, तो फिर सरकारों द्वारा संविधान की रक्षा करने की शपथ का क्या होगा? एक फिल्म जो पूरे भारत में रिलीज हुई, उस पर पश्चिम बंगाल में बैन इसलिए लगा दिया गया क्योंकि ममता बनर्जी सरकार को लगा कि 13 लोगों ने फिल्म का विरोध किया। वो तो भला हो सिंघवी साहब का कि जिन्होंने कोर्ट में यह नहीं बताया कि वे 13 नहीं 72 थे। अब यदि फिल्म आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के विरुद्ध है और उसके बावजूद यह आतंकवादियों से अधिक किसी मजहब विशेष को ठेस पहुँचाती है, तो फिर उस छद्म सेकुलर दर्शन का क्या होगा जिसके अनुसार आतंक का कोई मजहब नहीं होता? अब राजनीतिक दल या राजनेता यदि किसी समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ऐसे आर्गुमेंट देते हैं तो समझ में आता है। जैसे राजीव गांधी ने साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, जैसे देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिमों का पहला अधिकार बताने वाले मनमोहन सिंह, कश्मीरी हिंदुओं के हत्यारे यासीन मलिक को पीएम आवास पर न्योता भिजवाया। लेकिन जब संविधान के जानकार वकील ऐसे आर्गुमेंट देते हैं तो मेरे और आपके जैसे एक आम भारतीय को क्या समझना चाहिए? मनु सिंघवी जैसे संविधान के जानकारों को समझने की ज़रूरत है कि फिल्में भारतीयों के लिए बनाई जाती हैं, समुदाय विशेष के लिए नहीं। यदि कोई समुदाय द कश्मीर फाइल्स या द केरला स्टोरी को नकार देता है तो उसे भारतीय भी देखते हैं। बात बस इतनी सी है कि भारतीयों को फिल्मों से कोई समस्या नहीं है इसलिए वे देखते हैं, और समुदाय को समस्या है इसलिए वे नहीं देखते। अब यह मामला ममता बनर्जी या अभिषेक मनु सिंघवी को समझने की ज़रूरत है कि ऐसी परिस्थितियों में भारत प्रिवेल करेगा, ना कि समुदाय विशेष। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।